एनआर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनामिका, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। लूट एवं आर्म्स एक्ट के वांछित 6 अपराधकर्मी को अवैध आग्नेयास्त्र एवं चोरी के मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार। हाजीपुर वैशाली से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। वैशाली बिदुपुर थानांतर्गत चकसिकंदर निवासी अवधेश भगत के पुत्र की कुमार की हत्या अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा कर दी गई थी एवं दिनांक 14/9/24 को बहु निवासी डिलीवरी बॉय राकेश कुमार से अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा लूट के क्रम में गोली मार जख्मी कर दिया गया था, जिनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बिदुपुर थाना पुलिस द्वारा उक्त स्थल की घेराव कर वहां बैठे सभी 6 अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। छापामारी करते हुए कुल 5 अपराधकर्मियों को वहां से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 देसी कट्टा और 3 गोली बरामद की गई। उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। कुल 3 मोटरसाइकिल उन लोगों के पास से बरामद किया गया। 5 मोबाइल बरामद किया गया। जो पकड़ाए अपराधकर्मी थे उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। ये एक नया गैंग पनप रहा था जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई। जो मामले का खुलासा हुआ है, खासकर के हत्या वाले मामले में, तो मुख्य रूप से लूटपाट को लेकर के ही घटना कारित की गई है। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार किया कि उस समय ये लोग मोटरसाइकिल का चाबी छीनने का उससे प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो चाबी नहीं दे करके भागने लगा, तो उसी क्रम में गोली चलाई गई जिसमें कि एक गोली उसको लग गई जो कि उसके लिए फैटल साबित हुई और उसी क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो मुख्य उद्देश्य जो इसमें निकल कर सामने आया है वो लूटपाट का ही उद्देश्य है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें एक मामले में तो सामान ये लोग ले जाने में कुछ सफल नहीं आए थे। डर के मारे केवल गोली चल गई तो डर के भाग गए थे। दूसरे मामले में एक मोबाइल केवल ये लोग छीन करके ले गए थे, लेकिन उसमें भी मोबाइल को ये लोग एक जगह झांकी में फेंक दिए थे। तो इस प्रकार से मामले का पूरी तरह से खुलासा हुआ है और टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर भी इनके घटना में संलिप्तता की बात आई है। जो अपराधकर्मी शामिल हैं उसमें 2 अपराधकर्मी जो हैं वो पटोही थाना क्षेत्र समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं और 4 अपराधकर्मी जो हैं वो बिदुपुर के नाना चक गांव के रहने वाले हैं। तो मामले का पूरी तरह से खुलासा हुआ है और अपराधिक गैंग जो है वो बस्ट किया गया है। इसमें 2 अन्य अपराधकर्मी शामिल हैं जिनके लिए गिरफ्तारी के लिए अभी छापामारी की जा रही है। जो बिदुपुर में जो घटना घटित हुई थी उसमें मुख्य रूप से पवन अनुज रमन और धीरज प्रणव मिलकर के घटना को कारित किए थे। जो यहाँ गंगा ब्रिज में जो घटना कारित हुई है उसमें पवन अनुज रमन और धीरज शामिल थे और एक अन्य अपराधकर्मी है जो कि भागने में सफल है, उसकी गिरफ्तारी के लिए।